नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूँ एक और नई और फ्रेश वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई कॉलिंग के बारे में। वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। अब बात आती है कि अभी तक तो ऐसे नेटवर्क से ही कॉल हो जाती थी, अभी वाईफाई कॉलिंग कैसे होती है। वाईफाई कॉलिंग का एक नया कंसेप्ट लाया एयरटेल, मतलब पहले एयरटेल लाया था, अब जियो भी लेके आ गया है। मतलब अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है और आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, ऐसा वैसा होता है ना कि भाई किसी रिश्तेदार के घर चले गए हम, उनके घर पे वैसे तो नेटवर्क आ नहीं रहे, उन्होंने लगवा रखी है वाईफाई, तो हम अब वाईफाई से कनेक्टेड भी कॉल कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, थोड़ा वेट करिए, पहले बात बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे कॉल करनी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज दो वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, 11 बजे और एक शाम को 5 बजे। तो अभी दो वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि सारी वीडियोज इन्फॉर्मेटिव होती है, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे के जाती है, कुछ सिखा के जाती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि वाईफाई कॉलिंग का फंडा कहाँ से आया। वाईफाई कॉलिंग को ऐसे मान लीजिए जैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो 6 Mbps लेता है कम से कम, और अगर आप नॉर्मल कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, तो 1 Mbps का कनेक्शन कम से कम होना चाहिए, ताकि वो जो बीच में आवाज़ होती है ना कि भाई वो बोल रहा हाँ, कि इधर से बोल रहे हाँ भाई लेता आइए, बाद में कह रोटी, वो समझ रहा हाँ भाई लेता आइए, तो पता नहीं क्या का मतलब, कुछ भी कोई सोच सकता है। तो अगर इंटरनेट की स्पीड सही होगी ना तो कॉल बहुत अच्छी होगी। जैसे पहले तो क्या था कि आप व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनसे आप कॉल कर सकते हैं, पर अब डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं भाई। और डायरेक्ट कॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपके पास डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो वाईफाई से कनेक्ट हो, दूसरी बात जिसमें ये फीचर अनेबल कर सकें। मेरे पास आईफोन 7 प्लस है तो इसमें ये फीचर है और मैंने यूज़ किया, मैंने कल शाम यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब कभी ऐसा है ना कि अब रोमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, कि आप विदेश जा रहे हो तो रोमिंग लग रही है, सिंपल आप वाईफाई से कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। विदेश का तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ अब अगर इंडिया के अंदर वैसे तो कॉलिंग फ्री है, रोमिंग वगैरह फ्री है, कहीं पे भी नेटवर्क वगैरह नहीं है तो वाईफाई से कनेक्ट करो, कॉल कर दो, बिल्कुल फेयर आवाज़ आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे कैसे इनेबल होता है, सबसे पहली बात तो ये नहीं कि आप बिल्कुल एक छोटा सा 1200 लेके आओ, ले वाइस में चला के दिए, फ्री कॉलिंग लगा के दिए, वो नहीं चलने का काम। मतलब कम से कम आपकी डिवाइस में इतना दम तो होना चाहिए कि वो इस चीज़ को, इस फंक्शन को सपोर्ट कर सके। तो चलिए मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, क्या क्या उसमें सारी चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं होता भाई, अभी तक जियो और एयरटेल इन दो सिमों ने दिया है ये वाला फंक्शन कि आप हाँ वाईफाई के ऊपर कॉल कर सकते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग योर वाईफाई नेटवर्क देन यू विल कॉल, वरना कोई ऐसा कोई नहीं है नेटवर्क जो आपको ये देता हो, जियो एयरटेल बस दो। मतलब इसका एक ये भी फायदा है कि अगर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है ना, जीरो नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, तो आप भले ही आप फ्लाइट मोड पे हो, आपका फोन भले ही फ्लाइट मोड पे हो पर वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो कॉल आएंगी भी और कॉल जाएंगी भी। तो अभी जो मैं स्क्रीन आपके सामने लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी दिखाता हूँ आपको एक स्क्रीन, उसके ऊपर ना साइड में आप देखना जहाँ पे नेटवर्क आते हैं ना फोन में, वहाँ पे लिखा होगा एयरटेल वाईफाई, मतलब आप किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। ये नहीं कि भाई आपको एयरटेल की वाईफाई से कनेक्ट होना है, आप किसी की वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, चाहे रामपाल की वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ, चाहे किसी की भी से हो जाओ, कोई नेटवर्क हो उससे कनेक्ट हो जाओ, आपका बस एयरटेल वाईफाई वहाँ पे यूज़ होगा और जितनी कॉल कर सकते हो उतनी कॉल करें। चलिए मैं आपको अनेबल करके दिखाता हूँ कि कैसे अनेबल। चलिए भाई अभी आप देख सकते हैं कि मेरी ये मोबाइल स्क्रीन है और आप साइड में देख रहे हैं कि एयरटेल 4G आ रहा है लिखा हुआ। चलिए मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, अभी एरोप्लेन मोड में चला गया मेरा फ़ोन। अभी आपको करना क्या है, सिंपल वाईफाई ऑन करना है और ये नेटवर्क मेरे पास है अभी MITnet वाईफाई, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे इससे कनेक्ट होगा ना, ये देखिए कनेक्ट हो गया फिलहाल। अभी कनेक्ट होने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, जो आपको मोबाइल डेटा दिखाई दे रहा है ना, जहाँ एरोप्लेन मोड लिख रहा है, ये आपको सिंपल मोबाइल डेटा पर ही क्लिक करना है। देखिए मोबाइल डेटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर ये वाईफाई का आएगा अनेबल करने का, इसको जस्ट अनेबल कर देना है आपको, और फिर उससे बाद कुछ भी नहीं, मतलब अनेबल करते ही आपका जो काम था वो शुरू हो जाएगा। चलिए मैं एक कॉल मिलाता हूँ, अपने रूममेट को कॉल करता हूँ मैं, तो देखिए एकदम कॉल जाएगी। चलिए मिलाता हूँ कॉल एक बार, और ये रहा, देखिए अभी जो था ना वो प्रद्युमन यादव को कॉल करते हैं, और ऐसे तो आपको दिखाई नहीं देगा पर स्क्रीन पर देखिए वो कॉल भी उठाएगा और बात भी होगी। देखिए इसने जो कॉल है वो उठा दी अभी, तो अभी वो बात कर रहा है हमसे। तो चलिए मैं रखता हूँ कॉल और बस ऐसे ही कनेक्ट करना था, ऊपर देख सकते हैं आप एयरटेल वाईफाई लिखा हुआ आ रहा है। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपका फोन भी सपोर्ट करता है इसको, इस फंक्शन को अगर आपका फोन भी सपोर्ट करता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए या नीचे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ कि कैसे सपोर्ट कराना है। और बस मजे उठाइए, बिल्कुल बिल्कुल मत दीजिए रोमिंग रामिंग किसी को ना, अपना अपना चलाएं, वाईफाई यूज करें, उससे ही फोन मिलाएं।
और जैसे अभी हो रहा है ना कि भाई ज्यादा ज्यादा पैसे लग रहे हैं, कि पूरे पूरे पैसे लग दिए जा रहे हैं, कि कॉल करेंगे तब भी पैसे, उठाएंगे तब भी पैसे, कोई जरूरत नहीं है, वाईफाई पे स्विच करो, फ्री में कॉल करो इधर से उधर। प्यार देना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता, सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल फ्री भाई, कोई मतलब एक पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, छोड़ दो भूल जाओ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता का नाम रोशन करिएगा, चलता हूँ, फिर मिलूंगा।